हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई हो अच्छे होंगे। मेरा नाम है आर बी यादव रंभे, आप देख रहे हो टेक्नो 2.0। आज हम बताने वाले हैं करवा चौथ का कुछ इस तरह का पोस्टर बनाने वाला है। स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो में कहीं एक जगह देखने को पासवर्ड मिलेगा, पासवर्ड आपको पूरा वीडियो देख के अनजिप कर लेना है। तो मैं बताने वाला आपको कैसे इसको स्टेप बाय स्टेप बना सकते हो, और इसका PLP फाइल, PNG फाइल, जितना भी होता है आर मटेरियल जितना होता है आपको एक ही फाइल में देखने को मिलेगा। और बाकी आपको पोस्टर लिंक आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा, इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसे सीख लेते हैं बनाने के लिए। तो बनाने के लिए सबसे पहले पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम पिक्सल एप्लीकेशन को हम ओपन करेंगे। पिक्सल एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो यहाँ पर हम न्यू टेस्ट देखने को मिल रहा है, इसको हम डिलीट कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही आपको पूरा फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो देख के पासवर्ड जान के फाइल को अनजिप करके छोड़ देना है। उसके बाद पिक्सल एप्लीकेशन को ओपन करके बाद 3 आइकन यूज करना है। फॉर्म गैलरी पर जाओगे, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर 3 आइकन यूज करोगे, फॉर्म गैलरी पर जाओगे। यहाँ पर जाने के बाद अपने फाइल मैनेजर में जाना है, जहाँ पर इसका नाम है, ठीक है, करवा चौथ 2 करके इसका फाइल का नाम है। तो हम यहाँ पर आपको देखना मिल जाता है करवा चौथ 2, ठीक है। यहाँ पर देखने को मिल रहा है करवा चौथ 2 करके पोस्टर का नाम है। यहाँ पर करवा चौथ 2 पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर बैकग्राउंड से लेकर आल मटेरियल, आर PNG, PLP फाइल सब कुछ इसी में देखने को मिलेगा। तो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले आपको कैसे क्रिएट करना, उसके लिए बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। पहले बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन देखने को मिला है, इस पर क्लिक करना है। फॉर्म गैलरी पर जाओगे, यहाँ पर जाने के बाद पहले हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से। इसको सेलेक्ट करके इसका रिलेटिव साइज बीच वाले पे क्लिक करके थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो यहाँ पर रिलेटिव साइज का ऑप्शन देगा, इसको हम फुल कर देंगे। कुछ इस तरह से आपका पोस्टर हो जाएगा। उसका फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, ठीक है। प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फॉर गैलरी पर जाएंगे। यहाँ पर गैलरी पर जाने के बाद फिर से आपको कुछ इस तरह का पोस्टर देखने को मिल रहा है, कुछ इस तरह का बैकग्राउंड है, इसको सेलेक्ट करना है और इसके बैकग्राउंड का रिलेटिव साइज बढ़ा देना है। रिलेटिव साइज बढ़ा देने के बाद इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बैक कर देंगे। यहाँ पर डुओ पे क्लिक करेंगे और इसको नीचे कर देना, इसके नीचे कर देना, ओके कर देना है। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फॉर गैलरी पे जाएंगे। गैलरी पे जाने के बाद फिर से हम कुछ इस तरह से PNG ले लेंगे, इसका भी रिलेटिव साइज हम बढ़ा देते हैं। तो फटाफट इसका रिलेटिव साइज हम उसको बढ़ा कर आपको दिखा देते हैं। उसके बाद फिर से प्लस उसी वाला फाइल पे फिर से बार बार जाना है आपको। यहाँ पर जाने के बाद रिलेटिव साइज बढ़ाते जाना है, हर चीज़ का रिलेटिव साइज आपको ऐसे सेलेक्ट कर करके आपको बढ़ाना है। जैसे इसको हम दोबारा ले रहे हैं, इसको बैक कर दे रहे हैं, ठीक है, आपको मैं बता रहा था। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करना है, फॉर गैलरी पे जाना है। यहाँ पर जाने के बाद आपको जैसे जहाँ भी आपका फोटो बना कर रखे हुआ है ना, बिना रिमूव फोटो वाला, इसका भी रिलेटिव साइज इसको बढ़ा देना है, या तो अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हो। उसके बाद फिर से प्लस वाला सेलेक्ट करेंगे, फॉर गैलरी पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम कुछ इस तरह का अपना PNG लेते हैं, यानी अपना यूट्यूब लिंक ले लेते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं, ओके कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पर अपना नाम लिखा है, नाम लिखने के लिए तो ऐसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर मैंने पहले बनाया था तसर नेम प्लेट बनाया था कुछ इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का नेम प्लेट मैंने बनाया था, और मैं बता रहा हूँ आपको नाम अपना खुद लिखना है तो ए पर क्लिक करना, न्यू टेस्ट ले लेना है, और न्यू टेस्ट को नीचे लेकर आना है, दोबारा टैप करके यहाँ पर अपना नाम लिख सकते हो। तो मैंने जैसे यहाँ पर बताया था कि आप वो अपना नाम लिखने के बाद यहाँ पर लगा सकते हो। उसके बाद आपको कैसे सेव कैसे करना है, सेव करने के लिए ऊपर ऊपर आपको सेव का ऑप्शन यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेव टू इमेज पर सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्वालिटी पूछे, क्वालिटी आपको अल्ट्रा कर लेना है, उसको सेव टू गैलरी पे सेव करके छोड़ देना, आपका यूट्यूब आपका फोटो गैलरी में सेव हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबाना, और आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। चले मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।